प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। शराब के नशे में फलासिया के बीडीओ अशोक डिंडोर द्वारा अम्बामाता थाना क्षेत्र निवासी ग्राम विकास अधिकारी देवेंद्र शर्मा के घर पर जाकर हंगामा कर परेशान करने का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। शराब बीडीओ अशोक डिंडोर पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अशोक कुमार डिंडोर, जो कि वर्तमान में विकास अधिकारी फलासिया पर विगत 30 वर्षों से एक ही जगत कार्यरत है, ऐसे में इनके द्वारा जातिगत व मानसिकता फैलाते हुए अपने अधीनस्थ वीडियो देवेंद्र शर्मा के साथ गाली गलौज की गई। साथ ही सरकार वाहन से अवकाश के दिन कर्मचारी के निजी आवास पर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर आकर पद का दुरुपयोग करते हुए वीडियो ने नशे की हालत में अपने उक्त सरकारी वाहन से इलेक्ट्रिक पोल को टक्कर भी मारी है और स्थानीय लोगों के विरोध पर अम्बामाता पुलिस थाने में मुकदमा में दर्ज हुआ, जिस पर पुलिस थाना अम्बामाता द्वारा डिंडोर को थाने भी ले गई, लेकिन छोटी कार्रवाई पर जमानत मुचलके पर छोड़ दिया है। जातिगत व मनस्थता चलते अशोक डिंडोर द्वारा देवेंद्र शर्मा का 2 वर्षों में 6 बार ट्रांसफर किया गया और जान से मारने की एवं नुकसान पहुंचाने की धमकी। ऐसे में जातिगत व मनस्थता फैलाने वाले अशोक कुमार डिंडोर विकास अधिकारी फलासिया को 7 दिवस में तत्काल सेवा मुक्त किया जावे, अन्यथा समाज द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ये मैं के शर्मा, विप्र फाउंडेशन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरे पास में खड़े हैं देवेंद्र कुमार जी शर्मा, जो हमारे विप्र समाज के सदस्य हैं। इसलिए लंबे समय से इनको अशोक कुमार डिंडोर है, जो वीडियो है फलासिया का, उसने इनको परेशान कर रखा है। और इनके आप देखो 6 महीने के अंदर 6-7 इनके ट्रांसफर कर दिए इंटेंशनली, मतलब आप देखो उसके तो ऐसा जातिवाद भरा हुआ है, वो अफगान कास्ट के लोगों के प्रति ऐसा जहर उगलता है। वो इसको रात को, कल रात को इनके घर पे दारू पी करके गया वो, और जाकर के इनके साथ गाली गलौज की, इनके साथ मारपीट करने की। ये अगर घर के बाहर निकलते तो मारपीट घर के अंदर ही थे। इनके बच्चे वगैरह सारे बौखलाए हुए हैं और इनको जान का खतरा है। आज हमारे मित्र समाज के सभी प्रतिनिधि के लोगों ने माननीय एसपी महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय सीओ महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया है कि तुरंत प्रभाव से इस आदमी के साथ जो अशोक कुमार ने, जो डिंडोर ने जो कार्रवाई की है, किसी गलत हरकत की है, तुरंत प्रभाव से उसको पुनः गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसकी संपत्ति की जांच की जाए। 30 साल के अंदर वो यही फलसा के अंदर ही वो स्थापित है। क्या किस कारण से स्थापित है? आज मौका है, जिस जन से उसने लोगों को प्रताड़ित कर रखा है, विशेष तौर से थर्ड क्लास के लोगों को जो प्रताड़ित कर रखा है, उनके अंदर भाव व्याप्त है। हम प्रशासन ने हमें 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन के अंदर तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुरंत प्रभाव से इसको निलंबित किया जाए और इसको इसका हेडक्वार्टर दूसरी जगह किया जाए, दूसरे जिले में। अगर ये 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की, विप्र समाज धरना लगाएगा और इसका उग्र प्रदर्शन करेगा और कोई चीज जिम्मेदारी होगी वो सारी प्रशासन की।